नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। आप सभी को विजयादशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बुराइयों का अंत करके आज के दिन भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी और रावण का वध किया था। इसी उपलक्ष्य में आज विजयादशमी पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर हम यहाँ पर डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद कनकमल कटारा के निवास स्थान पर आए हुए हैं, जहाँ पर सागवाड़ा लाइव प्रोडक्शन के द्वारा एक फिल्म बनाई गई है, लत एक आदत, जिसमें नन्हे बाल कलाकारों ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक शॉर्ट मूवी के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से आज की नई जनरेशन में बुराइयां पैदा हुई हैं। इस फिल्म को आप अवश्य देखिए और इस फिल्म का अभी डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद कनकमल कटारा के हाथों विमोचन हुआ है और उन्होंने समस्त देशवासियों को और क्षेत्रवासियों को बधाई संदेश दिया है। आइए मुलाकात करते हैं यहाँ के सांसद, डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद कनकमल कटारा से। बहुत ही बड़े हर्ष का विषय है कि आज विजयादशमी का यह पर्व है और इसी दिन भगवान राम ने विजय प्राप्त की थी। और यह पर्व, यह संदेश था कि धर्म अर्थ काम मोक्ष के अतिरिक्त हमारा कर्म प्रधान रहना चाहिए और कर्म प्रधान होगा वही हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि जिस प्रकार से समाज में कई प्रकार की बुराइयां मन में आती हैं और व्यक्ति कहीं न कहीं भटकता है और उसका कारण यही है कि उस बुराई के कारण से समाज में भी, घर में भी और बाहर भी उसकी प्रतिष्ठा खराब होती है और सोचते सोचते वह व्यक्ति स्वयं नष्ट हो जाता है। और इसीलिए आज का दिन जो पर्व है उसमें हम सब इन बुराइयों को हम एक यज्ञ दान करके इनको अंदर होम कर देना चाहिए। ये तमाम बुराइयां हैं, ईर्ष्या, द्वेष, ये एक दूसरे के प्रति गलत भावना, एक दूसरे के प्रति बुरा सोचना, गाली गलौज और प्रतिस्पर्धा में बुराई से किसी को देखना और फिर उसके जीवन में संकट बनना, ये बहुत बड़ा महापाप है। और इस प्रकार की जो बुराइयां हैं आज के दिन इस यज्ञ दान कर देना चाहिए, ये बुराई मेरे में नहीं पनपे। और इसीलिए आज विजयादशमी का पर्व जो है वो लोग मनाते हैं और इसीलिए हम सबसे बड़ा प्रधान हमारा कर्म है। और कर्म सही है, हमारा काम सही है तो भगवान इसको निश्चित रूप से मदद करता है, वो कभी असफल नहीं हो सकता। और यही प्रेरणा यह पर्व दे रहा है, इसलिए विजयादशमी के इस पावन पर्व पर मैं सभी देशवासियों को, मेरे क्षेत्र के सभी भाई बहनों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और यही वाक्य दोहराऊंगा कि कोई छोटी से छोटी बीमारी हो, कोई नशा पत्ता की बात होगी, कोई और कोई बुराई होगी, गाली गलौज, ईर्ष्या, द्वेष, इन सबको आप होम कर दें आज और उसको बंद करें। यही हमारा व्यक्तित्व आज आगे निखरेगा और समाज भी उसके आदर्श की दृष्टि से देखेगा और इसी पथ पर चलते तो हमारा राष्ट्र है वो परम वैभव पर इसी तरीके से पहुंच सकता है। यही भावना हम रखते हैं इस विजयादशमी के पर्व पर। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।